सह्याद्री में हर साल अनोखा ही देखने मिलते हैं। हमने राम मंदिर बनवाया है, हरे कृष्ण मंदिर था, और इस बार संकट मोचन हनुमान जी बनाया है। और ये आप देखेंगे पूरी झांकी, तो बाहर से पूरा पथरीला पहाड़ है और अंदर महल स्वरूप में मंदिर है। गए साल आप देखे रहेंगे कि पूरे पंडाल जितने भी गणेश उत्सव के उन्होंने सब राम मंदिर ही बनाया था, और हमने 2018 में ही राम मंदिर बनाया। तो इस बार सेवक नहीं छूट जाने चाहिए, तो हनुमान जी पे हमने काम किया। और महाराष्ट्र पे और देश पे जो संकट आता है वो उसका निवारण होने के लिए, संकट नहीं आने के लिए संकट मोचन हनुमान जी की स्थापना यहाँ पे की गई है। सह्याद्री कीड़ामन हमेशा पूरे तादाद में रहती है कार्यकर्ताओं की, और CCTV रहती है, प्राइवेट सिक्योरिटी होती है, और पब्लिक जो होती है वो भावी के तो अपने आप अच्छे से कर लेते हैं सब। गणेश उत्सव के दिन निमित्त में एक ही कहूँगा कि सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं अपने स्कूल टाइम से सह्याद्री में आता हूँ, और तब मैं युवा मोर्चा का पदाधिकारी या ऐसा कुछ नहीं था। कई सालों से मैं देखता हूँ जो रौनक आज से 15 साल पहले थी वही रौनक आज भी है। सह्याद्री मित्र मंडल हमेशा एक अलग यूनिक सोच के साथ कुछ ना कुछ नया करता है, और इस साल भी उन्होंने जो हनुमान दरबार बनाया है बहुत ही बेहतर बनाया है, और इसका सारा श्रेय इस सह्याद्री के जो कार्यकर्ता हैं और पर्दे के पीछे जो लोग रह के इसके पीछे काम करते रहते हैं। और प्लस सबसे बड़ी बात है कि हमारे अध्यक्ष जी जो 10 दिन तक रात भर जाग के लोगों के सेवा में खड़े रहते हैं, तो सह्याद्री की एक विशेष पहचान है। इसके ऊपर बोलना मतलब शब्दों को सिर्फ तोलना हो गया, तो मैं शब्दों में तो तोल नहीं सकता। बाकी बप्पा का आशीर्वाद ऐसे ही सह्याद्री मित्र मंडल पे बना रहे। गणपति बप्पा मौर्य। बप्पा पूरे देश में सुख शांति समृद्धि दें, देश में लोगों की सोच को बदलें जो गंदी सोच है देश के प्रति। बप्पा देश को उन्नति के राह पे लेके जाए। बप्पा हम लोगों में, युवाओं में एक अच्छी सोच पैदा करें, क्योंकि बप्पा ही सभी के प्रथम देव हैं, और हम लोगों को एक अच्छी सोच के साथ हमें आगे बढ़ाएं, यही बप्पा के चरणों में प्रार्थना है। धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरिया। मुंबईतील एक सुप्रसिद्ध गणेश उत्सव मंडळापैकी सह्याद्री क्रीडा मंडळ हे आपल्या चेंबूरमध्ये आहे। राहुलजी वाळंद यांच्या अध्यक्षतेखालती या मंडळात गेली अनेक वर्ष मी या ठिकाणी विविध देखावे, जी संस्कृती हे लोक जपतात, जी परंपरा हे लोक जपत आलेले आहेत ती अतिशय वेगळी आहे। आणि विविध प्रकारचे देखावे, जसं यावर्षी हनुमान मंदिरात त्या ठिकाणी उभं केलेलं आहे, गेल्या वर्षी श्रीकृष्ण मंदिर होतं त्याच्या अगोदर राम मंदिरापासून प्रकारचे देखावे या ठिकाणी गणेश उत्सवाच्या या सेटवर उभारले जातात। आणि आजच्या तरुण पिढीला हे देखाव्याच्या माध्यमातून जी संस्कृती, जी परंपरा दाखवण्याचं काम सह्याद्री क्रीडा मंडळ करत आहे ते एकदम शिस्तबद्ध। या ठिकाणी आल्यावर आम्हाला असं इतकं बरं वाटतं की कुठेही घाई गर्दी नाही, व्यवस्थित दर्शन असतं, लोकांना व्यवस्थित सुविधा पुरवल्या जातात, एकदम वेगळं वातावरण या ठिकाणी असतं। त्यामुळे आणि जी परंपरा त्यांनी चालू ठेवलेली, जी संस्कृती तरुण पिढीला दाखवण्याचं काम करतात, त्याबद्दल खूप त्यांचे अभिनंदन मानले पाहिजे, केले पाहिजे, आणि त्यांना शुभेच्छा आहेत। या ठिकाणी आल्यानंतर आपल्या हिंदू संस्कृतीचं दर्शन, प्रभू श्रीरामाचे भक्त ज्यांनी भक्तीचं अमोघ दर्शन घडवलं असे बजरंग बली हनुमंतरायाचं या ठिकाणी देखावा मंदिर उभं केलेलं आहे, हे नवीन पिढीसाठी कुठेतरी प्रेरणास्त्रोत्र बनावं। आणि हनुमानजींनी जशी रामाजी भक्ती केली तशीच भक्ती प्रत्येकाने, प्रत्येक भक्ताने करावी, हा संदेश या देखाव्यातून देण्यासाठी हा उत्कृष्ट असा देखावा सह्याद्री क्रीडा मंडळ व याचे अध्यक्ष मान्य श्री राहुल वाळंद व सर्व सहकाऱ्यांनी हा उभारलाय, त्याबद्दल चेंबूरवासियांची मी त्यांना खूप लाख लाख शुभेच्छा देतो। बहुत अच्छा है, मुंबई में ऐसा बना हुआ डेकोरेशन देख के एकदम दिल खुश हो गया। भगवान के आचार, कब शंकर भगवान, भोले बाबा और बजरंग बली साथ में दिख रहे थे।
गणपती बाप्पा पूरा परिवार समस्त परिवार यहाँ दिखने मिल रहा है। पार्वती माता नमो पार्वती पते नमः हर हर महादेव शंभो शंभो जय श्री कृष्ण। बहुत खूप बरं वाटलं, एक्सपिरियन्स खूप चांगला आहे, सगळं क्लायमेट सगळं खूप छान झालंय। रोज या वर्षी पुढच्या वर्षी सर्व वर्षी असंच राहू दे, खूप चांगलं। अती बढिया, बहुत ही ज्यादा बढिया लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। लेटेस्ट टॉपिक है, सारा बनाया है राम लक्ष्मण सीता, तो बच्चों को भी काफी इन्फ्लुएंस हो जाता है ये सब देख के। थैंक यू। पहिल्या दिवसापासूनच आता लाईन होत चालली आहे आणि गर्दी खूप होत चाललेली आहे आणि संकट मोचन आपण जसं म्हणतो तसं ते मारुतीचं ते संपूर्ण हे मंदिराचं आहे आणि सुरुवात जी झाली तर गणपती जो आला तो शनिवारच होता आणि संकट मोचनाचा शनिवार हा जो मारुतीचा वार, त्यामुळे लोकांची अफाट गर्दी होत चालली आणि अजूनही गर्दी होत आहे। कमीत कमी 3:30 वाजेपर्यंत लोक 4 वाजेपर्यंत पहाटेपर्यंत येतात आणि काही जण तर पहाटे म्हणतो ना आपण सकाळी उठल्यानंतर येतात आणि देवाचं दर्शन घेतात, तसं हे देवाचं दर्शन घ्यायला येतात आहे, म्हणजे मारुती दर्शन घेतात आहे लोक। अशा प्रकारे गर्दी वाढते आणि आता दुसरा दिवस आहे, 1.5 दिवसाच्या गणपती गेलेले आहेत आणि थोड्या दिवसातच उद्यापासून आज जास्त गर्दी होणार आहे। सबसे पहिले तो मैं सभी भाविकों को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दूंगा और इस बार हमने एक अनोखा दिखावा यहाँ पे प्रस्तुत किया है, संकट मोचन हनुमान मंदिर, जो आपको पूरे देश भर में कहीं पर भी देखने नहीं मिलेगा। ऐसा एक यूनिक क्रिएशन हमने किया है इस बार। जैसे आप देख सकते हैं कि एंट्रेंस पे ही हनुमान जी अपना स्वागत कर रहे हैं सभी का, तो वैसे ही अंदर भी आप आओगे तो राम दरबार है, फिर गणपति बाप्पा का दर्शन हो रहा है, फिर सामने हनुमान जी बैठे हैं। तो पूरे देश भर में जितने हनुमान जी के भक्त हैं उन सभी भक्तों को मैं आह्वान करता हूँ और निमंत्रित करता हूँ कि आप तिलक नगर में सह्याद्री क्रीड़ा मंडल में आइए और गणपति बाप्पा का दर्शन लीजिए और इस अनोखे दिखावे का उत्साह बढ़ाइए। और हम सभी भाविकों को से विनंती करते हैं कि आप जितने भी हो सकते हैं मतलब इन 11 दिनों में मुंबई से महाराष्ट्र से देश भर से आप तिलक नगर में आके गणपति बाप्पा का दर्शन लीजिए। मकसद यही है कि सनातन धर्म है तो हनुमान जी, जब हम राम जी का नाम लेते हैं तो हनुमान जी का तो नाम आ ही जाता है, तो हमने राम मंदिर बनाया था 2018 में, तो उसके बाद में एक हनुमान जी का भी मंदिर बनाने का उसी वक्त हमारे अध्यक्ष राहुल जी वालन इन्होंने एक उनका एक ये था कि मंदिर हम हनुमान जी का बनाएंगे, क्योंकि ऐसा अनोखा मंदिर आपको पूरे देश भर में कहीं पर नहीं मिलेगा।